llamas? ये हम लोग 30 साल से ये स्पर्धा जैसे आयोजित कर रहे हैं। 2020 में इसका 30वां साल था, लेकिन कोरोना की वजह से ये स्पर्धा बीच में हमको रोकनी पड़ी और अभी आज से हमने ये फिर से शुरुआत की है। शहीद भगत सिंह क्रीड़ा ट्रॉफी, ये जो स्पर्धा लेने के पीछे का मेन मकसद ये था कि इंडस्ट्रीज़, जैसा इसमें लिखा है औद्योगिक, तो इंडस्ट्रीज़ लेबर जो काम करते हैं उनको जो स्ट्रेस रहता है वो इस स्पर्धा के वजह से वो दूर होना, उनके आपस में एक टीम स्पिरिट पैदा होना और मैनेजमेंट और लेबर इनके रिलेशंस अच्छे होना, ये सोच थी हमारे मंडल के जो संस्थापक अध्यक्ष है कॉमरेड उद्धव भवलकर, वो सोच के तहत उन्होंने ये स्पर्धा शुरू की थी। ये मंडल का और हम सबका दुर्भाग्य है कि आज वो हमारे साथ में नहीं है। ये स्पर्धा जब शुरू हुई तब उनके उपस्थिति में ये शुरू हुई थी, लेकिन ये कोरोना की वजह से आज वो हम लोगों के साथ में नहीं है। और मंडल उनका जो विजन है, उनकी जो सोच है, वो लेके आज भी उसको आगे लेके जाने की कोशिश कर रहा है। ये 30वें साल में अभी तक टोटल 42 टीम्स ने इसमें हिस्सा लिया है, जिसमें इंडस्ट्रीज़ और गवर्नमेंट ऑफिसर्स, बैंक्स और MR की टीम्स इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और अभी तक के, मतलब आज तक, औरंगाबाद और मराठवाड़ा लेवल के सभी प्लेयर्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। और एक चीज़ है ये स्पर्धा के बारे में, जो इसके डिसिप्लिन और टाइमिंग के बारे में जानी जाती है, जिसके बारे में हम लोग बहुत कोशिश करते हैं, सभी टीम्स, प्लेयर्स, अंपायर्स और इसके जितने भी लोग इनसे जुड़े हुए हैं इतने सालों में, उन सब का सहकार्य हमको मिलता है और उन्हीं के बेसिस पे हम लोग ये स्पर्धा अभी तक के ये कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। हर साल सर ये टूर्नामेंट होता है सर? ये हर साल टूर्नामेंट होता है। ये शहीद भगत सिंह की जयंती जब रहती है, वो रहती है 23 मार्च को, सो हम पहले शुरू करते थे 23 मार्च के दिन और इसका प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन होता था 1 मई के, लेकिन जैसे जैसे टीम बढ़ती गई, शुरुआत 8 टीम से हो गई, फिर 12 हो गए, फिर 16 हो गए और अभी 42 टीम ये टीम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सो ये उतने कम दिनों में ये करना पॉसिबल नहीं रहता है। तो अभी कुछ प्राइस, फर्स्ट प्राइस, अभी फर्स्ट प्राइस ये है 31,000 रुपया प्लस ट्रॉफी है, रोलिंग ट्रॉफी रहती है, 3 साल अगर जीतता है तो वो परमानेंट ट्रॉफी उसको दी जाती है। सो इसी तरह से मैन ऑफ द मैच हर एक मैच में दिया जाता है, मैन ऑफ द सीरीज़ रहता है, बेस्ट बैट्समैन रहता है, बेस्ट बॉलर, ये सब प्राइजेस हम लोग देते हैं। दो तीन टीम के नाम बता सकते सर जिन्होंने? हाँ, इसमें मेनली जिसमें पार्टिसिपेट किया है, जैसे सिटी पुलिस की टीम्स है जिन्होंने, और रूरल पुलिस, ग्रामीण पुलिस, ये टीम ने मैक्सिमम बार अभी ये प्राइज़ भी जीता है, विनर्स रही है टीम ये। और इंडस्ट्रीज़ में से तो सभी टीम्स आज तक अभी तक आते हैं, मतलब अगर आप लेंगे सो बजाज ऑटो एक बड़ा नाम है इंडस्ट्री का, वो टीम भी पार्टिसिपेट करते हैं, स्कोडा ये टीम ने भी ये टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट किया है, MR के टीम्स है, गुडियर की टीम है, कॉस्मो फिल्म्स है, कॉस्मो फिल्म्स तो प्रायोजक है, मतलब वो एक बात है, कॉस्मो फिल्म्स का ये एक बहुत बड़ा गेस्चर है कि कॉस्मो फिल्म्स पिछले तकरीबन 16-17 सालों से ये टीम, मतलब ये स्पर्धा को स्पॉन्सर कर रहा है और बहुत स्पोर्टिंगली, और उन्होंने ये कमिटमेंट है उनका कि ये जब तक ये टूर्नामेंट चलेगा, स्पर्धा चलेगी, वो स्पॉन्सरशिप देते रहेंगे और हर साल ये करते हैं। इसके प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अभी तक के जाने माने काफ़ी सारे प्लेयर्स भी आ चुके हैं ओपनिंग के लिए और प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, मतलब अगर इसमें अगर हम लोग नाम लेंगे तो जैसे सुरेंद्र भावे, शंतनु सुगवेकर है, यजुर्वेंद्र सिंह है या करसन घावरी है, ये सब एक एक लीजेंड या बाकी भी प्लेयर्स आ चुके हैं और इस साल भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि कोई ना कोई प्लेयर तो आ जाए। सर नौजवानों जो है कुछ बोलना चाहेंगे सर क्रिकेट के बारे में आप? किसके सर? नौजवानों के लिए कुछ? नौजवानों के लिए आपने जो यहाँ स्पर्धा ली है गरवरे स्टेडियम में, हाँ,
तो अब अगला कोई औरंगाबाद में और भी स्टेडियम है तो वहाँ भी कुछ आयोजन करेंगे क्या, उस बारे में बताइए। हाँ, हम लोग ये स्पर्धा तो अगर देखेंगे तो हम लोग औरंगाबाद के सभी स्टेडियम पे खेल चुके हैं या का आयोजित कर चुके हैं। ये कोरोना की वजह से हम लोग फिर से कई दिनों के बाद में फिर से घरवारे पे आ गई ये स्पर्धा चालू हुई थी झालानी के ग्राउंड पे। वहाँ 10-11 साल तक ये स्पर्धा चली, उसके बाद में फिर जैसे झालानी बंद हो गई तो हमको ये वो वेन्यू चेंज करना पड़ा। फिर काफ़ी साल बीच में कुछ गरवारे रहो ADC है, और फिर MGM पे पिछले 15 सालों से ये स्पर्धा हो रही है वहाँ पे, और अभी इस साल यहाँ पे आ गए हम लोग। इसके बाद में 31वीं भगत सिंह स्पर्धा ये जैसे ख़त्म हो गई 3 अप्रैल को, तो हम लोग तुरंत चालू कर रहे हैं इस साल की 2022 की टूर्नामेंट, और वो MGM पे होगी। अभी जो नौजवान है, जो खिलाड़ी है, हाँ, और आपके इस स्पर्धा से जुड़ना चाहते हैं तो आप उनको क्या गाइडलाइंस करेंगे? हम लोग इसके बाद में 31वीं भगत सिंह स्पर्धा ये जैसे ख़त्म हो गई 3 अप्रैल को, तो हम लोग तुरंत चालू कर रहे हैं इस साल की 2022 की टूर्नामेंट, और वो MGM पे होगी। अभी जो नौजवान है, जो खिलाड़ी है, हाँ, और आपके इस स्पर्धा से जुड़ना चाहते हैं तो आप उनको क्या गाइडलाइंस करेंगे? गाइडलाइन तो हम लोग उनके लिए प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, ये स्पर्धा में भी हम लोग नौजवानों के लिए प्लेटफॉर्म देते हैं। ये सिर्फ इंडस्ट्रियल या गवर्नमेंट ऑफिस के प्लेयर्स के लिए नहीं है, ये हर एक टीम में हम लोग ओपन से प्लेयर्स अलाउ करते हैं। 19 के प्लेयर्स को खेलने के लिए चांस देते हैं टीम में, एक एक प्लेयर्स को। पिछले कई सालों में हमने और एक कोशिश की थी कि अंडर 16 के प्लेयर्स को भी हमने चांस दिया था खेलने के लिए, लेकिन वो फिर मैनेज करने के लिए या टीम्स का एक रिक्वेस्ट आया इसके लिए उसमें इस साल चेंज हुआ है। लेकिन 16 के प्लेयर्स को, 19 के प्लेयर्स को भी ये स्पर्धा में हम लोग स्कोप मिलता है। प्लेयर्स के लिए हमारा एक ही कहना है नौजवानों के लिए कि खेलिए, हम लोगों का प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, और स्पिरिट से खेलिए। मतलब और आजकल अच्छी बात है कि T20 का ज़माना है तो वही टूर्नामेंट हो रहे हैं। आपका नाम बोलिए। उदय बख्शी। एक विजुअल ले लो।